हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियां देखने वाले हैं, तो क्या आप तैयार हैं? चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहेली है, एक समुंदर में 30 जजीरे, बिखरे उनमें मोती हीरे, जो भी इनकी सैर को जाए मुफ्त में हीरे मोती पाए, बताएं क्या? जवाब है कुराने पाक। चलिए बताइए, वो कौन सा फल है जिसके बीज इसके छिलकों पर होते हैं? जवाब है स्ट्रॉबेरी के। सवाल है, वो कौन सी सवारी है जो आधी अल्लाह ने बनाई और आधी इंसान ने? जवाब है गधा गाड़ी। चलिए दोस्तों, इस पहेली में कुछ जानवरों के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस हैं। बताएं इनमें से कौन सा ज्यादा डेंजरस है, हिप्पो या शार्क? दोस्तों, इन दोनों में से हिप्पो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हिप्पो साल में 500 लोगों की जान लेता है, वहीं शार्क 10 लोगों की जान लेती है। दोस्तों, अब इन दोनों को देखें और बताएं इनमें से कौन सा ज्यादा डेंजरस है, डॉग या वुल्फ? इन दोनों में से डॉग ज्यादा डेंजरस होते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वुल्फ ज्यादा डेंजरस होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉग साल में 25,000 लोगों की जान लेते हैं, वहीं वुल्फ सिर्फ 10 लोगों की जान लेते हैं। चलें अब बताएं इन दोनों में से कौन ज्यादा डेंजरस है, स्नेल या स्टिंगरे? और इसका आंसर है, इन दोनों में से स्नेल ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि स्नेल एक साल में 10,000 लोगों की जान लेता है, स्टिंगरे एक इंसान की जान लेता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जबरदस्त पहेली के लिए वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। सवाल है, वो क्या चीज है जिसे खाने से इंसान गर्म हो जाता है और पीने से ठंडा? जवाब है गुस्सा। पहेली है, आगे पीछे साथ चली लेकिन कभी न हाथ लगी। जवाब है शैडो यानी साया। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो नमकीन पानी को भी मीठे में तब्दील कर सकता है? जवाब है पेंगुइन। दोस्तों, इस पिक्चर में इन दोनों इमोजीज को ध्यान से देखें। इन दोनों इमोजीज को आपस में मिलाने से एक टूथपेस्ट का नाम बनता है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी टूथपेस्ट है? ध्यान से देखें, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है, और अगर आपको ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। और इसका आंसर है, पहली पिक्चर में है कॉल का साइन, तो ये कॉल हो जाएगा, और दूसरी पिक्चर में है गेट। अगर इन दोनों को मिलाए तो टूथपेस्ट का नाम होगा कोलगेट, जो कि एक बहुत ही मशहूर टूथपेस्ट है। सवाल है, वो क्या है जो जन्नत में 4 और दोजख में 2 हैं? जवाब है नुक्तों की तादाद। सवाल है, वो कौन सा आदमी है जो दिन भर लोगों की जेबें और गले काटता है, मगर फिर भी इसे पुलिस नहीं पकड़ती?
जवाब है दर्जी। सवाल है, आपके जिस्म के अलावा वो कौन सी चीज है जो हर जगह आपके साथ जाती है? जवाब है आपका साया। दोस्तों इस पहेली में एक हस्बैंड और वाइफ मेले में घूमने के लिए आए होते हैं, तभी उनको एक बलून वाला आदमी नजर आता है। वो कहता है अगर आप 3 ऐसे बलून फोड़ें जिससे 50 नंबर बने तो आपको एक बड़ा इनाम मिलेगा। शर्त ये है कि आप 3 बलून से ज्यादा बलून को नहीं फोड़ सकते। तो दोस्तों क्या आप इन सभी बलून्स को देखकर बता सकते हैं कि वो 3 बलून कौन से हैं जिनसे 50 नंबर बनता है? ध्यान से देखें और हमारा आंसर देखने से पहले अपना आंसर में कमेंट करें। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। वो 3 बलून ये हैं, 25, 6 और 19, तो टोटल हो जाएगा 50। क्या आपने भी यही बलून बताए थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पहली है सबसे तेज इसकी रफ्तार, जहन में आए 100-100 बार। जवाब है सोच यानी ख्याल। पहेली है पत्थर का है एक दरबार, ऊपर खड़ा इसके सरदार। जवाब है चक्की। पहेली है लग लग कहो तो ना लगे, मत मत कहो तो लग जाए। जवाब है होंट। जब आप अपनी नींद से उठते हैं तो आप एक कमरे में बंद होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करें, तभी पीछे से आवाज आती है मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया है और तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, ये बॉम्ब 5 मिनट के बाद फट जाएगा। तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं, तुम्हें सही दरवाजा चुनना होगा और यहाँ से भागना है नहीं तो बॉम्ब फट जाएगा। पहले दरवाजे के पीछे जंगली जानवर है जो तुमको कच्चा चबा जाएगा और दूसरे दरवाजे के पीछे आग है, अगर तुम वहां गए तो जलकर राख हो जाओगे और तीसरे दरवाजे के पीछे भूत हैं जिनसे बचना नामुमकिन है और आपको सिर्फ एक ही दरवाजा चुनना है। तो आपको क्या लगता है आपको कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? आप हमें अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलें इसका जवाब देख लेते हैं। आपके पास एक बॉम्ब है जो 5 मिनट के बाद ब्लास्ट हो जाएगा, तो आप पहला दरवाजा खोलिए और बॉम्ब को अंदर फेंक दिए और दरवाजा बंद कर दें। 5 मिनट के बाद बॉम्ब फट जाएगा और जंगली जानवर मर जाएगा और आप पहले दरवाजे से आसानी के साथ बाहर निकल जाएं। सवाल है वो कौन सा खजाना है जिसे बड़े से बड़ा डाकू भी नहीं लूट सकता? जवाब है इलम का खजाना। सवाल है बंदर के 2 दिमाग होते हैं, एक दिमाग इसके पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, अब आप बताएं दूसरा दिमाग इसकी किस चीज को कंट्रोल करता है? जवाब है इसकी दुम को। सवाल है आपकी वो क्या चीज है जो आप कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? और इसका जवाब है आपका नाम। दोस्तों इस पहेली में नबीला को लाहौर जाना है, वो अपना सामान लेकर बस स्टैंड पर पहुंची लेकिन उसे याद आया कि वो अपनी टिकट लाना तो भूल गई है और उसे ये भी नहीं याद कि उसे किस बस में जाना है। उसने वहां देखा कि वहां 3 बसें खड़ी हैं। उन्हें देखते ही वो समझ गई कि उसे किस बस में जाना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी बस लाहौर जाएगी?
अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है उसे इस थर्ड वाली बस में जाना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इस बस की नंबर प्लेट पर LER लिखा हुआ है। हर बस की नंबर प्लेट पर इसके शहर का इनिशियल लेटर लिखा होता है, जैसा इस बस पर लिखा हुआ है, जबकि पहली और दूसरी बस पर सिंध और पेशावर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये दोनों बस लाहौर नहीं जाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाली बस। पहली है सुर्ख दीवार सब्ज मकान जिसमें बैठे काले मेहमान। जवाब है वाटरमेलन यानी तरबूज। सवाल है वो क्या चीज है जो एक लम्हे में पैदा होती है और एक लम्हे में मर जाती है। जवाब है ख्वाहिश। दोस्तों मान लो आपको एक अंधेरे कमरे में जाना है और आपके पास एक ही माचिस की तीली है, आपके पास एक कैंडल है, एक दिया है और एक लैंप है, तो आप रोशनी करने के लिए पहले किसे जलाएंगे? अच्छे से सोचिए और इसका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत ही इजी है। कुछ भी जलाने के लिए आपको सबसे पहले माचिस की तीली को जलाना होगा। सवाल है वो क्या चीज है जिसमें बहुत सारे सुराख हैं लेकिन फिर भी इसमें से पानी नहीं गिरता। जवाब है स्पंज। पहली है खुला पड़ा है एक खजाना, मुश्किल है इसको चुराना। जवाब है तारे। चलिए दोस्तों एक मजेदार पहेली देख लेते हैं। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखें। इस पिक्चर में टोटल दो गलतियां हैं, तो क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि वो गलतियां कौन सी हैं? चलें इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों यहां पहली गलती यहां पर है। अगर आप इस ट्यूब को ध्यान से देखें तो इसमें एक कील लगा हुआ है। कील लगने के बावजूद इसमें हवा भरी हुई है, यानी पहली गलती तो ये है। और दूसरी गलती इस अम्ब्रेला को देखें, इसका मुंह ऊपर की तरफ है। पहली है 1 रुपए की 40 चिड़ियां हैं और 3 रुपए का 1 कबूतर और 5 रुपए का 1 मुर्गा है। बताएं आप 100 रुपए में 100 पंछी कैसे खरीदेंगे? ध्यान से सोचें और आंसर देखने से पहले अपना आंसर में कमेंट करें। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। आप 100 रुपए में 100 पंछी इस तरह खरीद सकते हैं, 2 रुपए में 80 चिड़ियां, 3 रुपए में 1 कबूतर और 95 रुपए में 19 मुर्गे। तो इस तरह आप 100 रुपए में 100 पंछी खरीद पाएंगे। दोस्तों ऐसी जबरदस्त पहेली के लिए वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों इस पहेली में आपके सामने दो सिचुएशन गिवन है। अगर ट्रेन के इधर एक तरफ आपका भाई ट्रेन के आगे खड़ा हो और उधर दूसरी ट्रेन के आगे आपकी सिस्टर, और आप इन दोनों में से सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं, तो आप किसको बचाओगे? दोस्तों इसका जवाब बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि वो दोनों आपके बहुत ही करीबी रिश्ते हैं। तो हमारा आंसर देखने से पहले अपना आंसर में कमेंट करें कि आप इन दोनों में से किसे बचाएंगे। चलें इसका जवाब देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो ट्रेन के इस तरफ रेड लाइट है और दूसरी तरफ ग्रीन लाइट, यानी ट्रेन भाई की तरफ रेड लाइट की वजह से रुक जाएगी, तो आपको बहन को बचाना चाहिए,
क्योंकि वो ट्रेन नहीं रुकेगी। तो दोस्तों, आपने इसका आंसर क्या सोचा था? आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। सवाल है, वो क्या चीज है जिसे आप खोल सकते हैं मगर दोबारा बंद नहीं कर सकते? जवाब है अंडा। सवाल है, प्लेट को उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? और इसका आंसर है रकाबी। सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे खाने से पहले जोड़ना पड़ता है? जवाब है आटा। सवाल है, एक आदमी एक फटी हुई छतरी के नीचे खड़ा है मगर जरा भी गीला नहीं हो रहा, बताएं कैसे? जवाब है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसका दिमाग इसकी आंख से भी छोटा होता है? जवाब है शितरमुर्ग। पहेली है, आपने हाथ में इसे संभाला, इसने आपको पेट में डाला। जवाब है आईना। पहली है, मुंह में पड़ी रही एक बोटी, वो ना खाई खाली रोटी, बताएं क्या? जवाब है जुबान। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।